वीडियो में ये आप कुछ कैप्शंस देख रहे हैं जो कि बड़े ज़रूरी होते हैं वीडियो में डालने। क्यों? एक, पहले जब मैं वीडियोस डाल रहा था विदाउट ये कैप्शंस वगैरह तो एंगेजमेंट बहुत कम थी, और दूसरी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रीज़न है, कुछ लोग होते हैं जो कि दे कैन नॉट हेयर प्रॉपरली, उनके लिए ये कैप्शंस एक ज़रिया है कि आपकी मैसेज आपकी वीडियो को वो अच्छी तरह देख सकें। और तीसरी रीज़न है, अक्सर लोग कुछ मीटिंग्स में बैठ के कॉन्टेंट कंज्यूम कर रहे होते हैं या कुछ ऐसी जगह पर जिस तरह वॉशरूम है वहाँ पर बैठ के कर रहे होते हैं, तो उन जगहों पर दे कैन नॉट हेयर दी ऑडियो आपकी वीडियो का। अच्छा, एक और चैलेंज बहुत हमें ये आता है कि इंग्लिश में अगर मैं बात कर रहा होता तो इंग्लिश कैप्शंस जनरेट करना फेयरली आसान होते हैं क्योंकि लैंग्वेज और कंप्यूटर के लिए बहुत इजी है। बट चैलेंज ये था कि उर्दू में आप बोल रहे हो या हिंदी में आप बोल रहे हो, हम जैसे पाकिस्तान इंडियन जैसे जो मुल्क हैं, तो उसमें बहुत डिफिकल्ट होता है AI को भी। बट ये AI टेक्नोलॉजी ने तो कमाल कर दिया, बिलीव मी, आप इसमें वीडियो डालें और आप क्रेजी हो जाएंगे कि कैसा आउटपुट ये निकाल रहे हो, और बहुत कम हमारा टाइम लगता है टू एडिट वीडियोज़ नाउ। अगर यही काम आप अपने एडिटर को कहते हैं तो वो आपको गोली मार देगा क्योंकि पहले उस बेचारे ने सारे कैप्शंस लिखने हैं, फिर उसके बाद उसको एडिट करना है, फिर एनिमेट भी करवाना है, और अगर ऊपर से आपने कहा जी इमोजीज भी डाल देनी है तो वो तो जेन्युइन आपकी आत्मा ही ये कर देगा। तो बट इसका एक बहुत आसान हल आ गया है AI के यूज़ करते हुए, एक ऐप है जिसको यूज़ करते हैं और ऑटो जनरेटेड आपके पास ये कैप्शन आ जाएंगे। इसका मतलब है आप अपने एडिटर को फायर भी कर सकते हैं। सो इसमें उस कैप्शन का नाम है कैप्शंस ही उसका नाम है जिसमें आप अपनी वीडियो को डालते हैं। बट ये सिर्फ एक नुकसान है कि सिर्फ iOS के ऊपर अवेलेबल है। आप इसको डालते हैं ऑटोमेटिकली वो कैप्शंस को जनरेट कर लेता है, और इसमें कुछ कैप्शंस अगर आपको लग रहा है कि उसने गलत डाले हैं तो वो आप इजीली वो भी एडिट कर सकते हैं, इमोजेस भी डाल सकते हैं, और ये आपको एक दो और फीचर्स जैसे ट्रांसक्राइब वाले फीचर्स भी आपको दे देता है आसानी से ये वाली ऐप। इस तरह की और टिप्स के लिए फॉलो करें इस चैनल को। थैंक यू।